अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद ज़िया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ले रही हूँ मटन शाही कोरमा। मटन शाही कोरमा, सबसे पहले हम लेते हैं 3 ओनियन चॉप किया हुआ, जिसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करते हैं। 2 कप ऑयल कुकर में लेते हैं, जिसको अच्छे से हम फ्राई करते हैं। गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। ये हमारा ओनियन फ्राई हो गया। अब हम लेते हैं गरम मसाला। हम गरम मसाले लेते हैं 1/2 टीस्पून दालचीनी, लौंग, इलायची और 1/2 टीस्पून शाहजीरा और बड़ी इलायची, तेजपत्ता। इसको हम सब ऑयल में भून लेते हैं। अब हम 4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेते हैं। इसको हम ऑयल में अच्छे से भूनते हैं 2 मिनट के लिए। ऑयल में अच्छे से भून गया है। मटन डालेंगे इसमें 1.5 kg मटन है ये। पांच मिनट के लिए इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट में भूनते हैं। अब हम लेते हैं मसाला, सूखे मसाले पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 3 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 3 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो तीखी नहीं होती है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून सॉल्ट डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें मटन में। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। अभी सूखे मसाले पाउडर डालते हैं। ऑयल आने लग गया है 5 मिनट भूनने के बाद। ये 3 टीस्पून लेमन जूस, डालते हैं इसमें मटन में। में इसको हम 4 सीटी पे पकने देते हैं। 4 सीटी में गोश्त पक जाएगा। अब हम लेते हैं दूसरे मसाले, तिल, काजू, धनिया, जीरा, बादाम और सूखा खोपरा। इन सबको हम भूनते हैं। ये भुने गए हैं, थोड़ा सा ब्राउन कलर आया भुनने के बाद। अब हम इसको मिक्सर में पेस्ट बनाते हैं इसका। इनके साथ में गोल्डन ओनियन फ्राई किया हुआ, टमाटर 2, दही 1/2 कप, इन सब का पेस्ट बनाते हैं। ये पका हुआ है, जब हम कुकर में पकते हैं उसके बाद हम इसको मटन में मिक्स करते हैं पेस्ट को। ये मिक्स किया है, अब 10 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पकने देते हैं।
इसमें कसूरी मेथी भी डालना है, वो मैंने भूल गई, कसूरी मेथी 2 टीस्पून। अब हम इसको मटन शाही कुरमा देते हैं। मटन शाही कुरमा मेरे स्टाइल में इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिए।